हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने इस चैनल कंस्ट्रक्शन गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो सैंड की टेस्टिंग के रिगार्डिंग है। ये वीडियो फ्रेशर इंजीनियर्स और स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सैंड की क्वालिटी चेक करने के दो टेस्ट होते हैं, एक तो सीव एनालिसिस टेस्ट होता है, दूसरा सिल्ट कंटेंट टेस्ट होता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो सीव एनालिसिस के लिए बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिल्ट कंटेंट की। तो ये स्टार्ट करते हैं गाइज। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें ड्राई सैंपल चाहिए होगा सैंड का, जिस सैंड की क्वालिटी चेक करनी है। तो माना हमने उसका 1000 ग्राम ड्राई सैंपल ले लेते हैं, उसके बाद सीव को सेट कर लेते हैं। सीव को कैसे सेट करते हैं, सबसे नीचे पैन लगाते हैं, उसके ऊपर 150 माइक्रोन की सीव लगाते हैं, उसके ऊपर 300 माइक्रोन की सीव लगाते हैं, उसके ऊपर 600 माइक्रोन की, फिर 1.18, 2.36, 4.75 mm और 10 mm। ठीक है गाइस, उसके बाद सीव सिकर में हम इसको 2 मिनट तक हिलाते हैं। उसके बाद हम सीव सेकर से सीव सेट को निकाल के प्रत्येक सीव पर या चाली पर जो जो सैंड का मास रिटेन होता है उसको वेट कर लेते हैं, और वेट करके रिटेन मास में लिख लेते हैं। तो गाइस, एक टेबल इस तरह से बना लीजिएगा पहले, उसके बाद जो वेट होता जाएगा उसको ऐसे से, जैसे 10 एमएम में कितना मास रिटेन हुआ, 0, तो हमने 0 नोट कर दिया। देन 4.75 में 120 ग्राम, ऐसे ही करते करते हमारा 150 माइक्रोन में 76 ग्राम, देन पैन में जो बचेगा वो सारा पैन में आ जाएगा। तो गाइस, अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देन हम स्टार्ट करते हैं जो रिटेन मास है उसका परसेंटेज, कैसे निकालेंगे। तो जितना परसेंट जो है रिटेन हुआ उसके अपॉन में हमने जो सैंपल जो टेकन है वो लिया इंटू 100, यानी कि जो मास रिटेन अपॉन सैंपल टेकन इंटू 100। तो जैसे हमने 120 ग्राम सैंपल, हमारा जो सैंड है रिटेन हुआ 4.75, उसको डिवाइड कर दिया, जो सैंपल लिया हमने 1000 ग्राम ड्राई सैंपल लिया उसे डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करते तो 12% आ गया। तो गाइज, हमने सबका रिटेन परसेंटेज निकाल लिया। देन रिटेन परसेंटेज का कम्युलेटिव निकाल लेते हैं। कम्युलेटिव कैसे निकालते हैं गाइज, जैसे 0 का 0 ये 12 का 12, 0 में 12 ऐड किया हमने तो 12 आ गया, 12 में फिर 7.8 ऐड किया तो 19.8 आ गया, फिर 19.8 में 12.4 ऐड किया तो 13.2 आ गया। तो जनरली गाइज ऐसे हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो गाइज, ये हमारा कम्युलेटिव रिटेन परसेंटेज आ गया। देन हम पासिंग परसेंटेज निकालते हैं। पासिंग कैसे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा पासिंग निकल जाएगा, यानी कि जब 10 एम में हमारा 0% रिटेन था तो हमने 100 में से 0 को माइनस किया तो 100% पास होगा, क्योंकि 10 एम की सीव से सारा सैंड पास हो गया था, ठीक है। ऐसे ही 4.75 पे 88, और ऐसे ही जनरली 150 माइक्रोन पे 13.8% पास हो गया। तो गाइज, ये हमारा आ गया। तो गाइज, इसके बाद हम जो जनरली इसका आई एस कोड है, जो जिसमें सैंड का स्पेसिफिकेशन या फाइनल एग्रीगेट का स्पेसिफिकेशन दिया है, वो खोलेंगे, उसको ओपन करेंगे। वो आई एस कोड है IS 383 में टेबल नंबर 9। हम टेबल नंबर 9 में जाएंगे, देखेंगे वहाँ डिफरेंट जोन्स दिए हैं सैंड के। तो जोन्स जो है, जोन्स को जो बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4। जोन 1 सबसे मोटा सैंड, जोन 2 उससे कम मोटा, जोन 3 उससे कम मोटा और जोन 4 सबसे कम मोटा सैंड। तो गाइस, जोन 1 से 4 की तरफ हम जाएंगे तो सैंड की फाइनेस बढ़ती चली जाएगी, उससे कम मोटा और जोन 4 सबसे कम मोटा सैंड। तो गाइस, जोन 1 से 4 की तरफ हम जाएंगे तो सैंड की फाइनेस बढ़ती चली जाएगी, यानी सैंड बारीक होता चलेगा। तो जनरली गाइस, हम जोन सैंड, जोन सेकंड का जो सैंड है वो यूज़ करते हैं हम कंक्रीट के लिए, और जोन 4 का हम जनरली यूज़ करते हैं प्लास्टर के लिए। जनरली प्लास्टर के लिए अलग से स्पेसिफिकेशन के लिए कोड है, वो है आई एस कोड 1542, और मैसनरी वर्क के लिए जो मोर्टार हम बनाते हैं उसके लिए आई एस कोड दिया है गाइज 2116 IS 2116, ठीक है। इसके बाद हम फाइनेस मॉडल्स कैसे निकालते हैं। फाइनेस मॉडल्स होता है, फाइनेस मॉडल जनरली एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है, जो टोटल पार्टिकल्स हमारे सैंड में है उनका एवरेज साइज होता है जनरली। तो इसको कैसे निकालते हैं, जो हमारा कम्युलेटिव रिटेन जो परसेंटेज हुआ उसका हमने टोटल कर लिया, उसको 100 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा गाइज, यहाँ पे हमने जो कम्युलेटिव का रिटेन का जो टोटल किया वो 280.2 आया, उसको 100 से डिवाइड किया तो 2.808, तो हमारा जो एफएम आ गया वो 2.80, तो जनरल पार्टिकल का साइज है 2.80 एमएम हमारे पार्टिकल का साइज आ गया। तो गाइज, एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें, जो टेस्टिंग प्रोसेसर जो है हमारा, टेस्टिंग प्रोसेसर का IS कोड अलग है, वो है 2386 IS 2386 Part 1 1963 में। तो अगर हम सीव एनालाइज कैसे करना है, कितनी देर तक सीव को कैसे साफ करते हैं, इसमें सब स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, उसके लिए हम IS 2386 देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा गाइस, कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ के बारे में, किस टेस्ट के लिए बनाएं, उसके लिए ज़रूर बताएं। थैंक यू, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।